Hello student, my name is Jayesh Thakur, student in Sun Private Tech Tech for 10th year admission. After that, my topic number is AC motor or AC motor. Difference can be what is the part? Okay, correct. इसमें क्या होता है? Current is the stator or thrust. इसे याद रखना रोटर स्टेटर अर्थात फील्ड स्टेटर अर्थात फील्ड क्या होगा स्टेटर अर्थात फील्ड और रोटर अथवा आर्मेचर क्या होगा इसमें होता है टोटल देखिए तो जो बोला है स्टेटर अर्थात फील्ड और रोटर अर्थात आर्मेचर किससे होते हैं डीसी स्रोत से ठीक है याद रखना देखो इसमें क्या होता है कि स्टेटर जो होता है जैसे हमारा जो डीसी मोटर होता है ना दोनों का मतलब है कि डिफरेंट कंडीशंस करेंगे उसको काम करते हैं अगर इसमें जो स्टेटर होता है उसको हम डीसी मशीन है तो उसको क्या बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग लेकिन अगर हमारा जो मोटर है ऐसे उसके जो मोटर होता है उसको बोलते हैं आर्मेचर वो क्या होता है डीसी में जो ब्रश वाला होता है उसमें आर्मेचर होता है इसमें क्या होता है एसी मोटर आप लोगों ने देखा होगा घरों में ठीक है तो एसी मोटर में क्या होता है इसमें क्या होता है जो स्टेटर और रोटर दोनों होते हैं स्टेटर जो हमारा जो रोटर होता है वो रोटर एसी से कनेक्ट ना होकर वो क्या करता है हमारा सिर्फ स्टेटर ही क्यों होता है वो सिर्फ हमारा एसी से यहाँ पर कनेक्ट होता है और यहाँ पर करंट संयोजित होता है ठीक है हाँ ना एसी करंट से यहाँ पर क्या होता है संयोजित होता है ठीक है यहाँ पर समझ में आया है ना इसमें क्या होता है आर्मेचर मतलब दूसरा क्या होता है रोटर होता है ठीक है आर्मेचर मतलब यहाँ पर क्या होता है रोटर होता है ये दूसरा दूसरा अपन पढ़ लेते हैं ठीक है देखो इसमें जो आर्मेचर लगा रहता है ये क्या लगा रहता है आर्मेचर जिसको हम क्या बोलते हैं रोटर बोलते हैं आर्मेचर तो आर्मेचर होता है आर्मेचर जो होता है ना आर्मेचर आर्मेचर को स्रोत से संयोजित करने के लिए आर्मेचर को स्रोत से संयोजित करने के लिए आर्मेचर को स्रोत से क्या आर्मेचर को स्रोत से संयोजित करने के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर कम्यूटेटर क्या लगाते हैं कम्यूटेटर ठीक है क्या लगाते हैं कम्यूटेटर लगाते हैं कम्यूटेटर ठीक है क्या लगाते हैं यहाँ पर कम्यूटेटर यहाँ पर लगाते हैं ठीक है बट क्या लगता है जो हमारा एसी पॉइंट होता है यहाँ पर हमारा जो पॉइंट यहाँ पर है ठीक है एसी जो मोटर होता है उसमें हम क्या लगाते हैं वहां पर हम कम्यूटेटर की आवश्यकता नहीं होती ठीक है क्या देखना कम्यूटेटर की आवश्यकता नहीं होती ठीक है कम्यूटेटर जैसे क्वेश्चन में पूछेगा क्या एसी मोटर में किसकी आवश्यकता नहीं होती है किसकी आवश्यकता नहीं होती है जो रोटर भी रहेगा वहां पर है ना उसमें वाइंडिंग भी करेगा लास्ट में कम्यूटेटर भी रहेगा तो आपको समझ में एसी मोटर में कम्यूटेटर की आवश्यकता नहीं होती ठीक है कम्यूटेटर की आवश्यकता कंप्यूटर आवश्यकता नहीं होती याद रखना कि एसी मोटर में कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है ना एसी मोटर में कंप्यूटर की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है ये हमको याद रखना है ना समझ आ गया इसमें अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्या है ठीक है अब देखते हैं हमारा जो डीसी मोटर जो होता है ठीक है याद रखना तो डीसी मोटर जो है ठीक है डीसी मोटर जो हमारे यहाँ पर है ना तो डीसी मोटर को हम घूर्णन की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं क्या कर सकते हैं
ये समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट में
देखो यहीं पर ताला आने क्या हो गया